बिहार के गोपालगंज में बाबा सिद्दीकी के गांव शेखटोली के लोग उनकी हत्या से सदमे में हैं। लोग उन्हें गरीबों का मसीहा बताते हैं, जो विनम्र थे और हमेशा जमीन से जुड़े हुए थे। वे अपने गांव में जरूरतमंदों और गरीबों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। बाबा सिद्दीकी शुरू से ही, जब से हम लोगों ने होश संभाला, तब से हम लोग ये देखते आए कि बाबा सिद्दीकी गरीबों के बीच में एक मसीहा के तौर पे जाने जाते थे। बाबा सिद्दीकी को हमने देखा कि पिछले विगत वर्षों से मैं देखते आ रहा है, बाबा सिद्दीकी आए और पूरे स्कूलों में घूम करके बैग और बच्चों को, जो बच्चे फर्स्ट क्लास से पास किए थे, उत्तीर्ण हुए थे, उन लोगों के लिए उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये का चेक भी देने का काम किया था पूरे इलाके में। गांव वालों और बाबा सिद्दीकी के रिश्तेदारों ने सरकार से मांग की है कि हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जो हादसा हुआ है कल, वाकई बहुत ही अफसोसनाक है और हम ही गमगीन नहीं है, बल्कि उनका पूरा परिवार, ये गांव जो है उनके लिए गमगीन है और उस व्यक्ति के लिए जो एक इतने बड़े पद पे होने के बावजूद एक साफ सुथरे छवि के इंसान थे, नेक दिल आदमी थे, उनके साथ इस तरह से हादसा हो जाना, वो भी महाराष्ट्र जैसे शहर में, कहीं ना कहीं जो है सरकार की, महाराष्ट्र सरकार की कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की फेलियर है, वहाँ की सरकार की फेलियर है। और हम सरकार से भी ये मांग करेंगे कि कम से कम जो है उसको सही चीज़ को सामने लाया जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। आज जो कुछ भी हुआ है ये गलत हुआ है और महाराष्ट्र सरकार और वहाँ की प्रशासन बिल्कुल ही सजग होकर के और इस पे एक्शन ले और जो भी दोषी हैं उनसे कठोर से कठोर उनको सजा मिले, ताकि आने वाले वक्त में किसी की हिम्मत ना हो सके कि किसी दूसरे बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के बारे में वो सोचें। महाराष्ट्र सरकार से हम ये कहना चाहेंगे कि इस घटना को जो अंजाम देने वाले लोग हैं कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इसकी निष्पक्ष जाँच। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार में पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट में उनके बेटे के दफ्तर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।